कैसे हैं आप? अच्छे नहीं है ना? तो ये वीडियो आप ही के लिए, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो फेसबुक गेमिंग एप्लीकेशन है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन आज ही मेरे पास आया डाउनलोड करने के लिए, और मैंने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। और इस एप्लीकेशन के ज़रिए सारी समस्याएं दूर कर दी हैं फेसबुक ने। हम स्ट्रीम करते थे तो वो हम ऐप लाइव, मतलब कि फेसबुक से ही अब हम अपना गेम स्ट्रीम कर सकते हैं। हालांकि पहले भी हम स्ट्रीम कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें अपने पीसी से लाइव करना होता था गेमिंग के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन से ही फेसबुक गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए अपने गेम को लाइव कर सकते हैं। आखिर समस्या क्या है वो मैं आपको बता दूं, और वही समस्या का समाधान आपका इस वीडियो में होगा। मैं आपको बता देता हूं कि आखिर समस्या आ क्या रही है, और आपको पता भी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, साइड में आप देख सकते हैं मैंने अपना फेसबुक गेमिंग एप्लीकेशन ऑन कर रखा है, फिर हमने ओपन करा लाइव के लिए। तो गो लाइव पर जाना होता है, वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको गेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन कौन से गेम आप स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, और एंग्री बर्ड वाला मैंने गेम ओपन कर लिया है। उसको मैंने ओपन करा तो आप देख सकते हैं ऊपर एफ लाइव का बटन आ रहा होगा, ठीक है? साइड से देखें आप, एफ लाइव का जो बटन आ रहा है फेसबुक लाइव का, अगर हम वहाँ पर दबाएंगे तो वहां दबाने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होनी चाहिए, लेकिन वो विंडो अभी ओपन होके नहीं आ रही है। उस पॉपअप विंडो में आपको आपके पेजेस दिखेंगे जहां पर आपको अपना गेम लाइव करना है या फिर स्ट्रीम करना है, वही वाला पेज आप सिलेक्ट करके अपने गेम को स्ट्रीम कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से अभी सही नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद फेसबुक का अपडेट आ जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप जो भी स्ट्रीमिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी ऐप से अपना स्ट्रीम जारी रखिए। और हाँ, जो भी कोई अपडेट आएगा फेसबुक गेमिंग ऐप का, आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।